हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत झनियारा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी असमंजस में बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि आए दिन हमीरपुर जिला में अंतर शोध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनके चलते विभाग पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस पंचायत में एक सीवरेज प्लांट है जिसका सारा गंदा पानी आगे जाकर नदी नालों में मिल रहा है और आगे कई पानी की स्कीमों को गंदा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस पानी से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और हम इस बारे में कई बार विभाग को सूचित कर चुके हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की गई। उसकी वजह से है क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते हैं पानी और फिर पानी में छोड़ देते हैं नाले में। यहाँ तो सर जैसे पानी के स्रोत ना जो उनके सफाई सफाई का काम करा हुआ है और दूसरे जो हमारी बावड़ियाँ हैं वगैरह उनका और ये खुद कूड़ा कचरे के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी ये जो इसका गंदा पानी है इसका तो असर होगा ही नहीं सर। कभी कभी ऐसे रोज नहीं छोड़ते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं पानी, ये चिंता होती है परेशानी थोड़ी। वैसे ऐसे तो चलो थोड़ा बहुत तो छोड़ देते हैं है तो बीमारियां। अब तो गर्मी का मौसम आने वाला है, अब तो बीमारियां बच्चे ना पानी सर हम तो जाते हैं टाइम टाइम पर बताते हैं सबको सर और डिपार्टमेंट में बताते हैं सबको पर कोई सुना रही बोलते हैं कि बस साफ पानी है ट्रीटमेंट किया है वो साफ है। ऐसा कितने खेतों के लिए लगा रहे हैं उधर नजदीक पानी का दूसरी तरफ नहीं पानी तो बाहर में बुरी हालत है। पर तो यहाँ देखो यहाँ कम से कम कोई 250-300 मीटर के करीब है नाला, फिर भी यहाँ समय ला जाती है नाले से तो इतना गंदा पानी इतनी बदबू फैलती है यहाँ से जीना मुश्किल है थोड़ा। आज तो चलो जो पार्क स्रोत नहीं जो टैंक टूंक है उनको तो कर रहा है सफाई, पर ये जो नाले में जो गंदगी फैली हुई है फिर बच्चे चले जाते हैं कोई नहा लेते हैं कोई वैसे और भी कुछ काम कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पर फिर भी ये जो पानी गंदा रहा है कई सालों से वैसे पापे यहाँ से 3-4 स्कीम है जो बंद हुई है पहले जो पानी की तो पीने का पानी इधर से चलता था ये नटाना सटाना गाँव से थी पहले स्कीम वहाँ से चलते था पर अब वो बंद कर दी गई है तो इसी नाले की वजह से गंदगी गंदगी की वजह से तो अगर पानी आ रहा है तो उसमें भी अब आपने देखा ही रंग की तरफ क्या हाल था तो यहाँ भी अब दिक्कत तो है थोड़ी। ऐसे पानी तो चल निरंतर आ रहा है धीरे धीरे ऐसे नहीं कि नहीं है तो बीमारियाँ फैलने का खतरा भी ज़्यादा है। नहीं चूक तो IPHC का तो नहीं है उसमें ना जी, ये तो दूसरा है जी IPHC का नहीं है भाई। IPHC का पानी ठीक है IPHC में नहीं है वो दिक्कत, पर दूसरा ये जो ट्रीटमेंट का है ना जी ये इसका है ये सीवरेज का ट्रीटमेंट का जो क्या बोलते हैं उसको नगर पालिका का उसकी दिक्कत है। बाकी नहीं कुछ बाकी कुछ ऊपर से इसका भी छोड़ देते होंगे जो NRT की है वो भी छोड़ते होंगे पर ज़्यादातर प्रॉब्लम इसकी है जो नगर एयर पालिका का नगर पालिका फेट ये सर गंदा पानी तो पहले तो यहाँ पीने का पानी आता था हमें, अब सीवरेज तक कर दिया है इन्होंने तो ये बंद हो जाए तो अच्छा ही है, बच्चे नहाने नहीं जाते हैं इधर। हाँ सर पहले तो सबको पिलाते थे 7 वार्ड है यहाँ पर सभी पानी पीते थे यहाँ से, अभी सीवरेज कर दिया बच्चे नहाने नहीं जाते हैं इधर। हाँ जी पानी की प्रॉब्लम है गंदा पानी है इधर, बच्चे खेलने नहीं जाने जाते हैं बदबू आती है। अच्छा ही है सर। इससे पहले हम किन शिकायत की आपने विभाग से? पहले भी की थी पंचायत से भी की थी ऑटो नहीं की अभी तक ब्लॉक में बोला था 1-2 बार। हाँ जी सर तो अभी क्यों नहीं की उन्होंने?